अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों, श्री अकाल जी। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, खुश होंगे, मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे। अगर नहीं देख रहे तो प्लीज़ ज़रूर देखिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज की जो वीडियो लेकर आए हैं ये है जी बिजली के हवाले से वीडियो। हम लोग बिजली की प्राइसेस देखने वाले हैं, कंपैरिजन होने वाला है कि इंडिया में बिजली का फी यूनिट का रेट क्या होता है, लोगों को बिजली के बिल कितने आते हैं और हमारे मुल्क में बिजली के बिल लोगों को कितने आते हैं। मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने मतलब लोगों से पूछा था कि इंडिया में बिजली के रेट क्या है और बिजली का बिल उनको कितना आता है। और मैंने स्टूडियो में बताया था कि हमें पिछले महीने 30,000 बिल आया था। और ना सिर्फ कि ये, हम लोगों को दो चार महीने पीछे जाके देखे तो हम लोगों को एक महीने में 50,000 बिल भी आया था। और उस टाइम पे सब लोगों को बहुत ज़्यादा बिल आए थे और सब लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट भी किया था, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने बोला था कि आप लोग बिल देंगे और लोगों ने बिल दिए भी थे। तो ये मजबूरी है हम लोगों की, क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं। तो लेकिन आज की वीडियो देखते हैं, उम्मीद है कि आप लोगों को मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो को देखने में। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं आज की वीडियो। IMF से जो है अपना बेल आउट लेने के लिए, उसकी वजह से इन्होंने ये उनके कहने पे चीज़ें महंगी की और उस वजह से बिजली भी महंगी हो गई है। जब इस तरह होगा तो हर चीज़ इफेक्ट होगी, तो इस वजह से गरीब ममालक जो है वो गरीब से गरीब हो जाते हैं। उसका नियत अच्छा है, उन लोगों का नियत अच्छा है, चाहे वो गैर मुस्लिम है, उन लोगों में से करप्शन नहीं है। हम लोग तो जो है ना एक दूसरे का खून पीने के लिए तैयार है। ठीक पाकिस्तान के हालात मुझे तो यही दिख रहे हैं कि अगले कोई 50-100 साल भी ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि जिस तरह पिछले 60-70 ईयर्स में इंडिया ने तरक्की किया, बांग्लादेश उसके 20 साल बाद आज़ाद हो गए हमसे, GDP हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। कपड़े की दुकान है, इस महीने में जो है ना पिछले साल 3,000-3,500 रुपये में बिल पे कर रहा था, नहीं तो मैं आपको बिल दिखा दूंगा। और इस साल जो है ना इस महीने में हम 14,300 रुपये मैंने परसों बिल जमा कर दिया। साउथ इंडिया है हमारे, उनकी वहाँ पे बिजली सस्ती है और वो किसानों को भी बिल्कुल सब्सिडी पे बिजली प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो उसकी कॉस्ट बिल्कुल कम है और चीज़ें जो है वहाँ पे सस्ती है। जब बिजली महंगी होगी तो हर चीज़ इफेक्ट होगी, उसकी वजह से जो चीज़ों की कीमतें वो भी बढ़ जाती है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, पाकिस्तान ने बेल आउट पैकेज के लिए IMF के एक और मुतालबे के आगे हथियार डाल दिए हैं। शहबाज हुकूमत ने 1 जुलाई से पाकिस्तान भर में बिजली के पर यूनिट पर 3.23 रुपये मजीद इजाफा करने का ऐलान कर दिया है। हुकूमत का ऐसा करने का मकसद ये है कि उन्होंने इस साल के आखिर तक 335 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करना है। पाकिस्तान के घरों में जो बिजली दी जा रही है पर यूनिट, उसका जो रेट है वो है 20 से 25 रुपये, और जो मार्केट में बिजली दी जा रही है उसका रेट है पर यूनिट 40 से 45 रुपये। और अगर हम बात करें अपने हमसाय मुल्क भारत की, तो वहाँ पे जो बिजली है पर यूनिट 6 रुपये में दी जा रही है, सिर्फ और सिर्फ 6 रुपये में। इसी पर आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आबिद हुसैन। आबिद हुसैन, क्या आपको पता है कि पाकिस्तान ने बेल आउट पैकेज के लिए IMF के एक और मुतालबे के आगे हथियार डाल दिए हैं? पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये ऐलान कर दिया कि 1 जुलाई से जो बिजली है वो फी यूनिट 3.23 रुपये उसमें इजाफा कर दिया गया है, क्या कहेंगे आप? देखें, जब ये तो एक प्रिंसिपल है, जहाँ पे बिजली महंगी होती है वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है, हर चीज़ महंगी हो जाती है। सही बात है, सही। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा इफेक्ट ही होते हैं जो गरीब आवाम है, उनको बिल ज़्यादा आते हैं और पहले ही उनकी जो है लिविंग लाइफ वो बड़ी मुश्किल से गुजर जाती है। जब बिल आते हैं और वो मजीद गरीब से गरीब हो जाते हैं, और इस तरह जो आपके कारखाने वगैरह हैं उनके बिल बढ़ जाते हैं, और इस तरह उनकी जो कमोडिटीज़ होती हैं और वो चीज़ें जो बनाते हैं वो भी महंगी हो जाती है। इसके अपोजिट आप देख के साउथ इंडिया है हमारे, उनकी वहाँ पे बिजली सस्ती है और वो किसानों को भी बिल्कुल सब्सिडी पे फ्री बिजली प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो उसकी कॉस्ट बिल्कुल कम है और चीजें जो है वहाँ पे सस्ती है। जब बिजली महंगी होगी तो हर चीज इफेक्ट होगी, उसकी वजह से जो चीजों की कीमत है वो भी बढ़ जाती है। आपने बात की हमारे हमसाय मुल्क भारत की, वहाँ पे जो बिजली फी यूनिट है वो है 6 रुपए, यहाँ में जो हमें घरों में बिजली दी जा रही है वो है 20 से 25 रुपए फी यूनिट, और बाजारों में जो बिजली मार्केट्स वालों को दी जा रही है 40 से 45 रुपए फी यूनिट दी जा रही है। इतना बड़ा गैप समझ से बालातर है कि आवाम के साथ क्या हो रहा है, इतना मेजर गैप, मतलब 6 रुपए वहाँ पे बिजली फी यूनिट दी जा रही है और यहाँ पे इतना ज़्यादा फर्क क्यों? देखें, इसी वजह से वहाँ पे डॉलर की कीमत देख लें, वहाँ पे 100 रुपये पे हमारा आज 300 रुपये पहुँचा हुआ है तकरीबन। तो ये IMF से जो है अपना बेल आउट लेने के लिए, उसकी वजह से इन्होंने ये उनके कहने पे चीज़ें महंगी की और उस वजह से बिजली भी महंगी हो गई है। जब इस तरह होगा तो हर चीज़ इफेक्ट होगी, तो इस वजह से गरीब ममालक जो है वो गरीब से गरीब हो जाते हैं।
इसलिए सबसे पहले हमें अपनी जो बिजली बनाने के मनसूबे हैं उनको कोल वगैरह ये वो उन चीज़ों से हटा के अपने जो हमारे पास थर्मल पावर्स है और ये सोलर एनर्जी है उस पर कन्वर्ट करना चाहिए, जिसकी वजह से हमें हमारी चीज़ें सस्ती होंगी और हमारी बिजली भी सस्ती होगी और इस तरह से हमारे लोगों की लाइफस्टाइल जो है वो भी बेहतर हो जाएगा। सर आप यहाँ पे देखिए फैक्ट्रीज बंद हो गई है, लोग अपने कारखाने बंद कर रहे हैं क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। मतलब आप देखें नॉर्मल से नॉर्मल जो दुकान है उसका बिल जो है वो 15 से 16 हज़ार आ रहा है बिजली का बिल सिर्फ लाइट जलाने का। अभी तो पंखों का सीजन आया ही नहीं है, अभी हम मार्केट विजिट करके आए हैं, लोग खुदा रो रहे हैं, यकीन करें। वो कह रहे हैं कि छोटी सी दुकान है सिर्फ यहाँ पे लाइट चल रही है, सर्दी अभी ख़त्म हो रही है और हमारा 14 से 15 हज़ार बिल आया है। घरों की बात करें तो हर घर में 25 से 30 हज़ार बिल आना एक नॉर्मल बात है, वहाँ पे जहाँ पे एसी भी नहीं चलते सिर्फ पंखे और लाइटों का बिल है ये तो अभी तो सर्दियाँ हैं इस वजह से लोगों को इतना फील नहीं हो रहा। जब गर्मी आएंगी लाइट की ज़्यादा ज़रूरत होती है तब पंखे चलते हैं, एसी वगैरह चलते हैं और डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं, तब और ज़्यादा महंगाई आएगी। एक तूफान बरपा होगा, जो आवाम है आम आदमी है उनके लिए तो बिल्कुल मुश्किल है इस तरह जो ये हर महीने में ये बिजली बढ़ा रहे हैं। और अभी ये हमारे पंजाब में तो और कुछ बेहतर है, कराची वालों के लिए तो बिल्कुल अजाब है, उनके लिए तो डबल जो है यूनिट कर दी गई है, जिसकी वजह से वहाँ पे आम आवाम जो है गरीब लोग हैं वो ज़्यादा रहते हैं, वर्कर क्लास है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होंगे, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी और बहुत ज़्यादा लोग पहले ही हमारी आधी आवाम जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे और मेरे ख्याल से 2/3 मेजोरिटी हो जाएगी पॉवर्टी लाइन से। इंडिया किस तरह फिर अपने लोगों को 6 रुपये फी यूनिट जो है वो बिजली दे रहा है? मैडम उन वो जो बिजली असल में देखना चाहिए कि बिजली ये तैयार कैसे करते हैं। हमारे जो पाकिस्तान में है वो बिजली बाहर से गैस मंगवा कर, बाहर से कोयला मंगवा कर और इस तरह की चीज़ें मंगवा, पेट्रोल पर हो गया, इस तरह की चीज़ें जो है ना इंपोर्ट करके ये चीज़ें उन पे बिजली बना रहे हैं। हमारा जो दरिया है, हमारे जो बैराज है, वहाँ पे कोई इस तरह का सिस्टम नहीं लगाया गया कि पानी पे बिजली पैदा की जाए, डैम्स नहीं बनाए गए। हाँ जी, वहाँ पे कोई किसी किस्म की ऐसी चीज़ नहीं बनाएगी जहाँ पे हम अपनी ही चीज़ों से बिजली प्रोड्यूस कर सकें। जब हम इम्पोर्ट करते हैं उस वजह से फिर हमें बिजली भी महंगी करनी पड़ती है और इसके सबसे बड़ी वजह ये है कि हम गरीब हैं, हम जब IMF से कर्जे लेते हैं और उनकी कंडीशन होती है वो हमें पूरी करनी पड़ती है। क्या IMF की कंडीशन मानने से पाकिस्तान में बेहतरी आ सकती है? नहीं, बेहतरी क्या नहीं है, एक दफ़ा जो है ठंडा हवा का झोंका आ जाता है तो उस वजह से थोड़ा इनको रिलीफ मिल जाता है, लेकिन इस तरह ये कंट्री कभी भी नहीं चल सकता जब तक अपने पाँव पर खड़ा नहीं होगा। पाकिस्तान का फ्यूचर आने वाले कुछ महीनों में, मैं सालों की बात करने लगी थी, साल तो बड़े दूर की बात है, कुछ महीनों में आप पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? कुछ भी नहीं, मुझे तो लगता है पाकिस्तान डिपार्ट कर चुका है और हमें ये बता नहीं रहा, तो अगर नहीं हुआ तो हो जाएगा। जिस तरह कल अपना डॉलर है 15 से 20 रुपये अचानक वो उसने उड़ान भरी और 300 पे चला गया, इसलिए पाकिस्तान के लिए एक मुखलिस ईमानदार लीडर की जरूरत है जो कि यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। सर आपका नाम? सईद। सईद, आपको पता है कि हुकूमत पाकिस्तान ने 3 रुपये 23 पैसे पर यूनिट बिजली के बिलों में मजीद इजाफा कर दिया, क्या कहेंगे आप? हम क्या कह सकते हैं, मगर हमारे तो जो है ना कि हमारा इससे वो कोई तवक्को नहीं है कि वो अच्छा काम करे, बहरहाल सारा काम ये जो है ना गलत कर रहे हैं। दूसरा है ना बिजली, अभी देख लो कि गर्मी आने वाले है, गर्मी नहीं है अभी तक, पंखे नहीं चल रहे, एसी नहीं चल रहे, खुद चलो बहरहाल एसी के बगैर हम पंखों पे भी गुजारा कर लेते थे, पर यूनिट 3 रुपये का महंगा होगा ना। अब यहाँ पे जो है ना आप देख लो, ये मेरी दुकान की वो कपड़े की दुकान है, इस महीने में जो है ना पिछले साल 3,000 साढ़े 3,000 रुपये में बिल पे कर रहा था, नहीं तो मैं आपको बिल दिखा दूंगा, और इस साल जो है ना इस महीने में हम 14,300 रुपये मैंने परसों बिल जमा कर दिया, तो इनके वही यूनिट सब कुछ वही वाला है, इनके डबल से भी ट्रिपल गुना हो गया ना, जिसको हुकूमत को हम बेहतर समझता था कि अनुली वाला बहुत अच्छा करेगा, सब कुछ करेगा, जो पिछली हुकूमतों ने काम खराब कर दिया तो ये सब कुछ ठीक करके ये इसरी कर देगा, बिल्कुल सीधा सीधा कर लेते, इनके उसने तो टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, ये बिल्कुल साफ सुथरा कर लेते, इसने अब 3 रुपये फी यूनिट इजाफा कर दिया, बल्कि इससे ज़्यादा कुछ पैसे भी ऊपर है, और जब 3 यूनिट अगर वो कर दिया तो 1,000 यूनिट का अगर किसी का चल गया तो वो 3,000 तो एक्स्ट्रा वो आ गया, और वो 3,000 की जो है ना 3,000 के ऊपर वो टैक्स अपना अलग डालेगा, वो ये नहीं है कि वो 3 रुपये सिर्फ हो गए, वो अपना टैक्स भी डालेगा, क्योंकि ना 3,300 होगा या 3,500 होगा वो इसका एक्स्ट्रा जाएगा। जिसने पंखा चलाना वो उसको कहता हूँ कि वो पंखे से भी जो है ना वो हाथ वाले पंखे पे गुजारा करे, जो को एसी चलाता ना तो वो उसको कहता हूँ कि वो एसी चलाने वाला काम छोड़ दो, वो कूलर पे गुजारा करे, कूलर वाला जो है ना उसको पंखे पे गुजारा, पंखे वाले जो है ना उसको कहता हूँ कि हाथ वाला पंखे से गुजारा करो, इससे तवक्को ना रखो कि हमारे लिए कुछ अच्छा काम करेगा और बेहतरीन करेगा, इससे जो है ना हमारे कुल वो जो है ना वो काम शाम तो वैसे भी डाउन हो गया,
और बहरहाल जो है ना हमारे पास जो आप देखे कितनी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, यहाँ पे कारोबार बंद हो गए हैं, लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे, बिजली नहीं अफोर्ड कर पा रहे, महंगाई अफोर्ड नहीं कर पा रहे, फैक्ट्रियों को तो गोली मारो, हम लोग दुकानें बंद करने लगा। आप कहते हैं फैक्ट्रियों के में जो है ना 100, 200, 500 बंदे काम करे, वो लोग तनख्वाह कैसे दे दें, इसलिए तो बंद करे क्योंकि वो काम नहीं चले। काम चलेगा आप देख लो, एक चीज़ है मिसाल तौर पर हम सूट लेते हैं 2000 रुपये का, वो आप 3000 रुपये का, वो नज़दीक उसने कई इशू बनाया हुआ कि पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली का बिल महंगा हो गया, अगर वो 1000 रुपये बढ़ाते हैं तो हम लोग 3000 रुपये खर्च कर लेते। क्या लगता है हमारे हमसाए मुल्क भारत में जो है बिजली पर यूनिट कितने की होगी? बहरहाल जितना का भी होगा वो नहीं पता है, इससे बेहतर है फिर भी कोई आइडिया, कोई तुक्का लगा ले। नहीं तुक्का नहीं लगा सकता हूँ क्योंकि किसी चीज़ का इलम नहीं है, तो वो यानी कि इतना मुझे इलम है उससे कि वो इससे बेहतर है। 6 रुपये फी यूनिट, यानी कि वो उधर देख लो आवाम देख लो मिसाल तौर पे, इधर से जो है ना 10 गुना ज्यादा आवाम उधर है, फिर भी यानी कि उधर का भी एक ही वजीर आजम है, इधर का भी एक ही वजीर आजम है, तो वो देख लो कितना ज्यादा उसको कंट्रोल कर सकते है, ये हमारे 400 सूबों को नहीं कंट्रोल कर सकते। वो मेरे ख्याल से मैंने सुना तो है इतना का, बाकी नहीं पता की वो 24 सूबे कितना है, वो आपको पता है पाकिस्तान से कई गुना बड़ी उनकी आबादी है, उसके बावजूद भी वहाँ पे जो बिजली का यूनिट है 6 रुपये है, और यहाँ तक कि जो देहाती इलाके उसमें 200 रुपये में जितनी मर्जी बिजली इस्तेमाल करे, उसका नियत अच्छा है, उन लोगों का नियत अच्छा है, चाहे वो गैर मुस्लिम है, उन लोगों में से करप्शन नहीं है। हम लोग तो जो है ना एक दूसरे का खून पीने के लिए तैयार है, उन लोगों में जो है ना वो करप्शन नहीं है, वो जो मर्जी, वो करप्शन भी करते हैं सब कुछ थे, मगर इतना नहीं करते जितना ये हमारी पाकिस्तान का कर रहे, ये तो कोशिश कर रहे कि मैं किसी तरह किसी को लूट लूँ। अब पाकिस्तान में हमने डैम नहीं बनवाए जिसकी वजह से बिजली के आज हमें ये रेट जो है देने पड़ रहे हैं। आप देखें कि बिजली जितनी भी बन रही है वो सारी पेट्रोल के ऊपर बना रही है, हमने डैम्स बनाए होते तो कम से कम आज में बिजली तो फ्री मिल रही होती। बनने देते ही नहीं है यहाँ पे ना, अब देख लो एक लीडर ने शुरू कर दिया डैम बनने के लिए, कुछ पैसे वो कर दिया ना, तो अगला जब वो दूसरा आएगा ना इलेक्शन के लिए तो उसने जीत लिया, वो खुद वो करते कि उसने तो ये कर दिया, उसने तो ये कर दिया, उसने प्लांके पे ज़्यादा पैसे लगाए, इसको बंद करो, इसको जब वो पैसे उधर से बंद कर लेते क्योंकि ना उसने इफ्तिताह कर दिया कि मैंने डैम बनाने, अब उसने डैम बनाने के लिए इफ्तिताह किया, उसने आधा बनवाया, दूसरा आते वो बंद कर लेते, कहते ये पैसे तो फजूल जा रहे हैं। और उसके जो है ना अब देख लो पिशावर में, पिशावर वाला कहता कि यहाँ पे डैम नहीं बनाना, मुझे बिजली नहीं मिलता, डैम बनाने किस लिए यहाँ पे बनाते, वाकई यही चीज़ होना चाहिए। जब वहाँ बिजली पिशावर का है, मुझे भी पता है बिजली पिशावर का है, गैस इस तरह का किसी और मुल्क वो जगह का होगा ना, या पिशावर का होगा या कराची का होगा, मैं ये नहीं कह सकता ये पिशावर का या कराची का है, वो किसी का भी है, जहाँ के जिस जो चीज़ है उसको नहीं मिलते हैं। अब जो देख लो बिजली पिशावर के, वो बिजली पिशावर वाला कहते हैं कि हाँ मैं यूनिट महंगा है, बिजली है ही नहीं, डैम किस लिए बना रहे हैं, मेरे घर का बिजली आप खुद इस्तेमाल करें, आपके लिए सस्ता है मेरे लिए महंगा है, आपके लिए पूरा बिजली है मेरे लिए नहीं है, तो वो इसलिए भी वो इख्तिलाफात कर रहे हैं कि आप यहाँ पर डैम भी नहीं बनाना। और दूसरा ये लोग खुद भी नहीं बनाते, वो कहते हैं कि हमें अगर पैसे आते हैं करप्शन के जरिए आते हैं मैं क्यों डैम बना दूँ। आपको पता है कि वो इमरान खान के दौर वो डैम शुरू हुआ था, वो उसको ब्लॉक कर दिया। अब आप देखें कि पाकिस्तान के अवाम ने कितने साल बिजली के बिलों में डैम्स की मद में कितना पैसा दिया है, वो कहाँ गया पैसा, क्यों नहीं बनाए डैम? हम लोगों ने भी वैसे जो हमारी वस में था 2000, 4000, 1000, 3000 हम लोगों में वैसे वो फंड जमा कर दिया है, मगर अभी तक उसका क्या वो बनने का तो छोड़, वो तस्वीर भी नहीं आया हुआ कि उसके बन गया या नहीं बना, वो ये हमें पता है कि उसने नहीं बनाया हुआ। अब आप देख लें कि इंडिया के लोगों को बिजली सस्ती क्यों मिल रही है, क्योंकि उन्होंने डैम्स बनाए हुए हैं, वो बिजली बनाने के नए तरीके ढूंढ रहे हैं, सोलर एनर्जी पैदा कर रहे हैं, अपने पानी को यूटिलाइज कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम अपने सिर्फ मुल्क को खा रहे हैं, अवाम को परेशान कर रहे हैं, और अवाम बिल पे बिल दे रही है, टैक्स पे टैक्स दे रही है, लेकिन अवाम के लिए कोई सहूलत नहीं। मैंने आपको पहला कहा कि उन लोगों का नियत सही है क्योंकि वो लोग करप्शन नहीं करते, हम लोगों का अगर करप्शन के जरिए 1000 रुपये आते हैं ना तो हम लोग क्यों खर्च करें, उसकी जो है ना वो नियत सही है। और दूसरा है ना कि उसकी जो हुक्मरान है चाहे वो जो भी है गैर मुस्लिम है, हमें पता है कि वो हमारे दुश्मन है, उनके तो दोस्त है ना, अपने मुल्क का तो दोस्त है, हमारे मुल्क का हुक्मरान जो होते हैं ना लीडरशिप ये सारा खून पीने के लिए आता है। जब वो इलेक्शन के लिए आते हैं मैं ये करूँगा वो करूँगा, जब आ जाते हैं ना अपने इकतदार में आ जाते हैं पावर में आ जाते हैं, ये उसी आवाम का खून चूस लेते हैं जिसने उसको ओढ़ दिया है। रुखशान आपको पता है कि जी तो गाइस ये थी आज की वीडियो, और वीडियो बहुत ही ज़्यादा बोलेंगे कि देख के, और होता है ना कि दिमाग ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुआ होता है और ज़्यादा हो जाता है। मैं
वीडियोस बनाती हूँ ना, मतलब कि आपको बता रही थी कि यहाँ पे सब्जियों के रेट बहुत ही ज़्यादा हैं, और मैं बता रही थी कि बिजली के रेट भी बहुत ही ज़्यादा हाई हैं, और बेचारे लोग देख रहे हैं कि बोल रहे हैं कि हमारी शॉप्स बंद होने वाली हैं, जहाँ पे हमें 2-3 हज़ार बिल आता था वहाँ पे 14-15 हज़ार बिल आ रहा है सिर्फ एक बत्ती होती है और एक पंखे का। नो एसी नथिंग होता है शॉप में, एक छोटी सी दुकान, उसमें सिर्फ लाइट जला लो और उसका इतना ज़्यादा बिल आ जाता है, कौन देगा इतना ज़्यादा बिल। लेकिन गरीब आवाम, इतनी गरीब आवाम है इस मुल्क में, लेकिन फिर भी वो उनसे निकाल रहे हैं ये, उनसे बिजली के बिल या फिर ये जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं एसेंशियल्स, वो चीज़ें नहीं उनसे ले रही, ये लोगों का खून नहीं चोर रहे हैं, खून पी रहे हैं ये लोगों का। लोग अपने खून पसीने की कमाई से, इतनी मुश्किल से कमाते हैं, और ऐसे उनके लग जाते हैं इधर उधर। फिर ऐसा होगा तो फिर मुल्क का यही हाल होगा ना, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, बच्चों को अच्छा खिलाने के लिए इंसान के पास कुछ भी नहीं रहेगा। जब हुकूमत ही इतने ज़्यादा टैक्सेस लगा लेगी, लोन ये ले लेते रहते हैं US से, IRS से, हर एक से, और निकालते लोगों में से हैं, लेते हैं लोन, हम पे तो नहीं लगाते, वो भी खुद रख लेते हैं, और जब उनको रिटर्न देना होता है वो हम लोगों में से निकालते हैं। वो बोलते हैं फिर कि यहाँ पे बिजली बढ़ा दो, यहाँ पे ये बढ़ा दो, वो बढ़ा दो, तो ये हर चीज़ वो बढ़ाते रहते हैं। इनको अपना कुछ नहीं है, इनका अपना कुछ भी नहीं है, ना ही अपना कुछ भी बना सकते हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है, बस ये बेचारे लोगों का ऐसे ही जीना हराम किया हुआ है। मैं बता रही हूँ ये अभी वीडियो 2-4 महीने पुरानी वीडियो है, अगर अभी का हिसाब लगाया जाए तो अभी और भी ज़्यादा यहाँ पे बुरे हालात है, क्योंकि डे बाई डे यहाँ पे हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ये होता है ना कि एक दिन या एक महीना यार हमारा ऐसा गुजर गया, अगला महीना आएगा अच्छा आएगा, आप लोग सोच भी नहीं सकते। वे बोलते कि सनामजद पूछ रही थी कि आपको पाकिस्तान का फ्यूचर क्या दिख रहा है, मैं बोलूँगी मुझे पाकिस्तान का फ्यूचर क्या, मुझे अपना फ्यूचर, मुझे किसी का फ्यूचर कुछ नहीं दिखता, मुझे सिर्फ मैं सोचती हूँ ना यार फ्यूचर में क्या होगा, एक अंधेरा, डार्क, बिल्कुल डार्क दिखता है, ऐसे कि कुछ है ही नहीं आगे, पता ही नहीं है कि होने क्या वाला है, कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे, कुछ भी समझ में नहीं आता है। ऐसी हालात हैं यहाँ पे, और ऐसी ज़िंदगी हो गई है, हो रही है और बनाई जा रही है हम लोगों की ऐसी ज़िंदगी। और हमें एक पिछले ये जो मतलब अभी तो 2024 स्टार्ट हो गया, 2023 में हम लोगों को हर महीने 20-25 हज़ार नॉर्मल बिल है कि आता रहा है, और एक महीने तो हद हो गई। हम लोग ये नहीं है कि सुबह हर वक्त एसी ऑन, सिर्फ रात को एसी लगता था, और उस महीने हम लोगों को 50 हज़ार बिल आया था सीरियसली। अभी ये साल नया स्टार्ट हुआ है, तो इस साल क्या होगा मुझे इस चीज़ का कुछ भी आइडिया नहीं है, लेकिन अच्छे की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है, और ज़्यादा बुरा ही कुछ होगा। तो ये थी आज की वीडियो, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो ज़्यादा लाइक कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, और ऐसे ही आपको मिलती रहूँगी और बहुत सी वीडियोज़ में। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू ऑल।